हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। इसमें हम क्या करेंगे कि टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर, फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर लाइक दिस। नाउ वे 50 ग्राम ऑफ, आपको क्या करना है, 50 ग्राम सॉइल लेनी है, ड्राई सॉइल लेनी है, पाउडर सॉइल लेनी है और उसको फनल में पोर कर देना है। उसके बाद मेज़र, आपको कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मेज़र करना है। आप 50 ml भी ले सकते हैं, 100 ml भी ले सकते हैं और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको फनल के अंदर पोर करना है। नाउ यू कैन यूज़ अ ड्रॉपर ऑल्सो फॉर दिस पर्पज़। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट अ वन स्पॉट। आपको सारा ही एक जगह नहीं कर देना है पानी पोर, आपको कहाँ करना है, हर जगह, आपको हर जगह स्प्रेड करना है वाटर को। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग। आपको जब तक पानी पोर करना है जब तक ये नीचे से पानी निकलने न लगे। नाउ कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग। सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विथ। नाउ दिस अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल। अब आप क्या करेंगे कि आप नाउ आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर। आप क्या करेंगे, आप नीचे जो है जितना आप पानी पोर कर चुके हैं उसको नीचे वाले पानी से इक्वल क्वांटिटी है कि नहीं है। अभी इक्वल क्वांटिटी नहीं है, दैट मीन्स इट इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। सो दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिटेन बाय द सॉइल एंड रिकॉर्ड योर रिजल्ट। तो ये आप घर पर कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली है, इनिशियल वॉल्यूम आपका जितना था सिलेंडर में, आपका फाइनल वॉल्यूम कितना है वो आ जाएगा। फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल यू माइनस वी एंड वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज ऑल्सो यू बाय वी। ओके, चलिए नाउ परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। यू माइनस वी डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई 100। 50 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने सॉइल 50 ग्राम्स लिए, ठीक है। आप इसको 100 भी कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। लास्ट है हमारा सॉइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया। इन सम पार्ट देयर इज अ क्ले सॉइल, इन सम पार्ट देयर इज लूमी सॉइल एंड सम अदर पार्ट इज सैंडी सॉइल। सॉइल इज अफेक्टेड बाय द विंड, वाटर, रेनफॉल। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, प्लीज लर्न कर लीजिए। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर्स है जिसकी वजह से सॉइल प्रोफाइल अफेक्ट होती है एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। द क्लाइमेट फैक्टर्स एज वेल एज द कॉम्पोनेंट ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप दैट माइट ग्रो इन दैट रीजन। तो सॉइल का टेक्स्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टू ग्रो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप। क्ले एंड ग्लूमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग अ सीरियल लाइक अ वीट एंड ग्राम एंड सॉइल आर गुड इन रिटेनिंग वाटर फॉर पैडी। सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन अ आइडियल। तो क्ले सॉइल क्या है, पैडी है आपका, ये क्ले सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करता है ना। और आपका ये वीट है, ग्राम है ना, ये सब आपके एक्चुअली वाटर, इनकी इन सब की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए क्या है कि ये दोनों ही सॉइल सुटेबल है, वीट है, ग्राम है, इन सबको ग्रो करने के लिए। फॉर लेंटिल्स एंड अदर पल्सेज लूमी सॉइल विच रेन वाटर ईजिली आर रिक्वायर्ड। तो लेंटिल्स के लिए, मसूर जो होती है उसके लिए आपको ऐसी सॉइल चाहिए होती है जो कि वाटर रिटेन ही ना कर पाए, है ना, ईजिली ड्रेन कर दे वाटर को। फॉर कॉटन सैंडी लूम और सैंडी और लूमी सॉइल विच ड्रेन वाटर ईजिली कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि डिफरेंट सॉइल टाइप्स चाहिए होती है आपको डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रॉप आपके लिए चलेगी, मतलब डिफरेंट अगर आपको सीरियल्स, पल्सेस और लेंटिन्स और एक्सेट्रा कुछ भी आपको ग्रो करना है तो देर इज़ अ स्पेसिफिक सॉइल इन विच दे कैन ग्रो। नाउ क्रॉप एज सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल। तो क्रॉप जो आपका, ये जो वीट है यानी कि गेहूँ, ये आपका ग्रो करना चाहिए क्ले सॉइल में क्योंकि इट इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट टू ग्रो इन टू इट एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी फर्टाइल। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस एक्टिविटी में क्ले
लूमी और सैंडी सॉइल लिखना है, और यहाँ पर कम से कम दो दो एग्जांपल्स यहाँ पर क्रॉप ग्रोन के लिखने हैं कि इसमें कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, और एक और एग्जांपल लिखेंगे जिसमें हम क्ले सॉइल को जिसको हम क्ले सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। तो ये आपको एग्जांपल अपने नोटबुक में लिखने हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात आए तो मैंने आपको शायद कुछ करवाए हैं, मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया है क्वेश्चन नंबर 8 तक। 9 और 10 की बात करें तो चलिए 9 और 10 हम डिस्कस भी कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। तो सॉइल पोल्यूशन और सॉइल इरोजन का मतलब ये होता है सॉइल बेसिकली डिस्ट्रक्ट करना, किसी भी चीज़ को ख़राब करना, ठीक है। और सॉइल पोल्यूशन की वजह से ही सॉइल इरोजन भी होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, है दोनों अलग ही टॉपिक्स, बट आपको सिमिलर ही हैं ऑलमोस्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में करेंगे, क्लास वर्क कॉपी में, और इसको गूगल क्लासरूम में आप सबमिट करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कॉपियाँ भी चेक होना शुरू हो गई हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा सीरियसनेस रखिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है सॉइल पोल्यूशन और सॉइल इरोजन के बारे में। तो सबसे पहले सॉइल पोल्यूशन कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम प्लास्टिक का कम से कम यूज़ कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, सॉइल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय द फॉलोइंग मेजर्स। फर्स्ट, बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स वी कैन रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन। सेकेंड वन, बाय कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वी कैन कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन। अब सेकेंड पार्ट है इसका, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट वन इज प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन। सेकेंड है बाय स्टॉपिंग डीफॉरेस्टेशन एंड अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल्स विद अ क्लू गिवन। तो आपको एक क्लू दिया हुआ है और आपको क्रॉसवर्ड पजल जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, सेकंड एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, प्लांटेशन प्रिवेंट इट। प्लांटेशन मैंने अभी आपको बताया कैसे प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करता है प्लांटेशन, सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन इसका एग्जांपल आप इरोजन लिख सकते हैं, erosion। सेकंड है आपका, ओके, फर्स्ट से शुरू करते हैं, इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर थ्रो। तो डेजर्ट में सॉइल इरोजन कैसे होता है, विंड से, windd। सेकंड हम कर चुके हैं। थर्ड है, क्ले एंड लूमी आर सुटेबल फॉर सीरियल्स लाइक वीट, whet। फोर्थ है आपका दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। तो क्या है वो, सैंडी सॉइल, sandy। सैंडी। फिफ्थ है आपका, कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल, दैट इज प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, profile। सिक्स्थ है, एक फिफ्थ यहाँ पर भी दिया हुआ है, यूज शुड बी बैन टू अवॉइड द सॉइल पोल्यूशन। तो इसका होगा पॉलीथिन, polythene। सिक्स्थ है आपका, टाइप ऑफ सॉइल यूज फॉर मेकिंग पॉटरी, तो इसका क्या होगा, क्ले, clay। लास्ट है आपका, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, दैट इज अर्थ वॉर्म। ठीक है, तो इससे आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।